अक्सर हर विद्यार्थी का यह सवाल होता है कि अपनी स्टडी को प्रोडक्टिव कैसे बनाए। ज़्यादा लंबे समय तक पढ़ने के बाद भी हमें कुछ याद नहीं होता है और ना कुछ समझ आता है। आपको बता दें कि आप थोड़े समय में भी प्रोडक्टिव पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे आपको पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद भी रहेगा और कम समय में आप अपने सिलेबस को भी पूरा कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी का एक समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए 5 ऐसे रामबाण स्टडी टिप्स लेकर आया हूं, जो कि आपके स्टडी को कई गुना तक बूस्ट करेगा और आप एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर के कैटेगरी में आ जाएंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के 5 ऐसे रामबाण टिप्स जानते हैं, जिससे आप अपने स्टडी को बूस्ट कर सकते हैं। आपका पहला टिप्स है मेक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बनाएं। प्रोडक्टिव स्टडी का सबसे बेहतरीन तरीका शॉर्ट नोट्स बनाना ही है। अक्सर विद्यार्थी कम समय होने के कारण नोट्स नहीं बनाते हैं, जिससे उन्हें पढ़ा हुआ याद रखने में समस्या आती है। आप शॉर्ट नोट्स स्टिकी नोट्स लगाकर भी बना सकते हैं, और ध्यान रहे कि शॉर्ट नोट्स हमेशा बुलेट पॉइंट में ही हो। आपका दूसरा टिप्स है हाइलाइटर और कलर पेन का प्रयोग। यूज हाइलाइटर एंड कलर पेन्स। कई विद्यार्थी कलर पेन और हाइलाइटर का उपयोग सिर्फ कॉपी सजाने को समझते हैं, पर जब भी आप किसी टॉपर के नोट्स देखेंगे तो आपको अक्सर हाइलाइटर और कलर पेन का प्रयोग दिखेगा। ऐसे नोट्स से पढ़ाई करने के बाद दिमाग में नोट्स की क्लियर छवि बनती है और आपको स्टडी भी मज़ेदार होती है। आपका तीसरा टिप्स है नोट्स को अपनी भाषा में बनाएं। मेक नोट्स ऑन योर ओन लैंग्वेज। कई बार विद्यार्थी दूसरों के नोट्स से ही पढ़ना पसंद करते हैं, पर खुद की भाषा में नोट्स बनाने से आपका दिमाग उस टॉपिक को जल्दी ग्रैब कर लेता है और आपको कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा जल्दी क्लियर होता है। आप छोटे छोटे नोट्स भी अपनी भाषा में बना सकते हैं। आपका चौथा टिप्स है अपनी स्टडी का सही समय चुनें। राइट टाइम टू स्टडी। हम कई बार इस बात में उलझे रहते हैं कि सुबह या रात कौन सा समय पढ़ाई करने के लिए सबसे अच्छा है। दरअसल यह आप पर निर्भर करता है कि आपको किस समय पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा पसंद है। अपनी पढ़ाई का सही समय चुनें और उस समय में पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें। आपका आखिरी व पांचवा टिप्स है अपनी रूटीन को फॉलो करें। फॉलो योर रूटीन। रूटीन को फॉलो करना ही अनुशासन माना जाता है, पर इसका यह मतलब नहीं कि आप एक सख्त टाइम टेबल बनाएं जो आपसे कभी पूरा नहीं हो सकता। रूटीन का मतलब है कि पढ़ाई का समय सिर्फ पढ़ाई को दें और बाकी समय आप स्पोर्ट्स या फैमिली के साथ बिताएं। इससे आपका मानसिक तनाव कम रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा। मैं दावा करता हूँ कि इन 5 पॉइंट्स को आप अगर 30 दिनों तक लगातार अनुशासन के साथ फॉलो करते हैं तो आपके ना हो पाने वाले स्टडी में आप मेडिकल चेंज देखेंगे। फिर आप एक एवरेज स्टूडेंट नहीं रहोगे, आपको पढ़ा हुआ हमेशा के लिए याद रहेगा और आप किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो कॉम्पिटेटिव या बोर्ड एग्ज़ाम हो, आप अच्छे नंबर से एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको और भी इस तरह का टिप्स मिल सकें।